तैमूर खान झगड़ा के बयान ने हलचल मचा दी, सारे राज फाश कर दिए, कौम के लिए बड़ा सरप्राइज। निजी चैनल के प्रोग्राम में बात करते हुए तहरीके इंसाफ के रहनुमा तैमूर खान झगड़ा ने कहा कि दो रोज से केपीके में उन्होंने इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी है, हमें कोई फेवर नहीं चाहिए, बस इतना चाहते हैं कि पाकिस्तान के सिस्टम चलते रहें और अदालतें हमें इंसाफ दे रही हैं। अदालतें हमें इंसाफ दे रही हैं मगर शायद पुलिस को हमारी ज्यादा याद आ रही है। प्रोग्राम के मेजबान ने कहा कि पुलिस वालों को आपसे मोहब्बत है, मिलने आ जाते हैं तो चाय पिलाया करें। तैमूर खान झगड़ा ने कहा कि उन्होंने आईजी को चाय की दावत दी थी मगर पता नहीं क्यों इन्होंने इनका नंबर ब्लॉक कर दिया। पीटी रहनुमा ने कहा कि अवाम ने नंबर ब्लॉक नहीं किए, वो हर हाल में वोट इमरान खान को देना चाहते हैं। हाई कोर्ट ने इनका इंतखाबी निशान तब्दील किया क्योंकि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन एक्ट के तहत निशानात नहीं दे रहा। हमें बताया गया कि पीटीआई के एमएनएज और एमपीएस का एक निशान नहीं हो सकता। तैमूर खान झगड़ा ने कहा कि बल्ले के बगैर मुश्किलात होंगी, हो सकता है कि हमें आराम से कैंपेन भी ना करने दी जाए, मगर इस बार खदशा है कि इलेक्शन के दिन तक इनसे पीटीआई कंट्रोल नहीं होगी क्योंकि अवाम की ताकत साथ है। इस बार पंजाब में पीटीआई सरप्राइज देगी, आप ये बात नोट कर लें।